अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप यू आर फाइन। आज की वीडियो में हम सी एस 5 से 6 के जो हमारे रिमेनिंग लेक्चर्स रह गए थे 11 से ऑनवर्ड 22 तक, उन सारे लेक्चर्स को हम जो है शॉर्ट तरीके से देखेंगे एक ही वीडियो में, क्योंकि जो है टाइम बहुत शॉर्ट है। तो बच्चों की काफ़ी मेल्स आ रही थी कि मैम हमें जो बाकी लेक्चर्स हैं वो भी प्रोवाइड करें, तो मैंने सोचा कि इस तरह अगर वन बाई वन तमाम लेक्चर्स की वीडियो बनाऊँगी तो बहुत सारा टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा कि एक ही वीडियो बना देती हूँ सारे लेक्चर्स की, तो आप लोगों को इन तमाम लेक्चर्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बता देती हूँ थ्योरी में से, क्योंकि क्यूज़ में वो हमारे जो क्यूज़ हैं उसमें थ्योरी में से ज़्यादा चीज़ें जो हैं आती हैं। कोडिंग वगैरह तो क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, तो MCQ टाइप की चीज़ें ज़्यादा थ्योरी में होती हैं। सो जो है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे अभी 12 लेक्चर्स पड़े हैं। 11 से लेकर 22 तक जो सारे लेक्चर्स हैं वो हमने इस वीडियो में कवर करने हैं। सो आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है, तमाम वो इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें जो हैं वो मैं बताऊंगी। सो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि जितनी भी मेरी इनकमिंग वीडियो उनका नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके। सो लेट्स गो अवर टॉपिक। लेक्चर नंबर 11 में जो है सबसे पहले लेक्चर नंबर 11 है, तो लेक्चर नंबर 11 में हमें इवेंट हैंडलिंग के बारे में बताया गया है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो होते हैं वो इवेंट्स जनरेट करते हैं, जो कि यूज़र इंटरेक्ट करते हैं जब GUI के साथ। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ जब यूज़र इंटरेक्ट करते हैं तो GUI जो है वो इवेंट्स जनरेट करते हैं। ये इवेंट्स होते हैं, इसमें इन इवेंट्स के एग्जाम्पल में हमारे पास बटन आते हैं, जब हम बटन पर क्लिक करते हैं और फिर हम माउस को मूव करवाते हैं, विंडो क्लोज करते हैं, तो ये उन जो है की एग्जाम्पल हैं। उसके बाद ये जो जिन पैकेज के की हमें ज़रूरत होती है, टू पैकेज स्विंग और AVT जो है पैकेज से इवेंट जनरेट करते हैं, तो वो java.avt.event हैं पैकेज हैं, और java.x.swing इवेंट पैकेज हैं। ठीक है, हमारे इवेंट्स जो होते हैं उनको हम ऑब्जेक्ट्स के बाय ऑब्जेक्ट्स से रिप्रेजेंट करवाते हैं। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हमें इसके सोर्स इवेंट सोर्स के बारे में बताते हैं। उसके बाद हमारे पास एक्शन है, एक्शन इवेंट आता है। इसके एग्जांपल में हमारे पास एक्शन इवेंट में है कि जब बटन पर क्लिक करते हैं तो एक्शन परफॉर्म होता है, तो ये एक्शन इवेंट में आते हैं। विंडो इवेंट इसकी एग्जाम्पल हैं। उसके बाद यहाँ पर ये मॉडल्स दिखाए गए हैं। इवेंट हैंडलिंग मॉडल में हमारे पास पब्लिश जो है सब्सक्राइब मॉडल आते हैं। पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल जो होते हैं ये हमें इवेंट जनरेटिंग कंपोनेंट जो है वो पब्लिश करवाते हैं इवेंट के जो है, उसके बाद उसको कंपोनेंट इवेंट हैंडलिंग कंपोनेंट सब्सक्राइब करते हैं इस इवेंट के लिए, ताकि पब्लिश जो होते हैं वो फिर इस इवेंट को सब्सक्राइबर को जो है सेंड कर देते हैं। ये इवेंट जो होते हैं वो हमें प्रोग्राम लॉजिक जो होती हैं GUI कोर्स से सेपरेट करवाने में हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ इवेंट हैंडलिंग स्टेप दिखाए गए हैं। 3 स्टेप है, इवेंट जनरेटर, इवेंट हैंडलर का कंसेप्ट स्टेप है, उसके बाद रजिस्टर्स हैंडलर का जो है स्टेप है। ठीक है, यहाँ पे नीचे वन बाय वन हम इन जो है देखते हैं। जो इवेंट जनरेटर है, इवेंट जनरेटर फर्स्ट स्टेप है इवेंट जनरेटर का। इवेंट इसमें बटन्स इसकी एग्जांपल्स में जो है वो बटन्स हैं, माउस हैं, की हैं और विंडो हैं, विंडो आती हैं, जो कि जब हम इन पर क्लिक करते हैं तो एक्शन परफॉर्म होता है और इवेंट जनरेट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद है यहाँ पे जो हमारे पास माउस और की का जो होता है ना ऑप्शन है, यहाँ पे वो इवेंट जनरेट नहीं करती, क्योंकि ये सिस्टम कंपोनेंट होते हैं, इस मेथड के थ्रू हम जो इसको जनरेट नहीं करवा सकते। उसके बाद हमारे पास लिसनर इवेंट हैंडलर को हम इवेंट लिसनर भी बोलते हैं, इसका नंबर 2 पे स्टेप है। इसकी हमें जो है इवेंट को अगर क्लास को इवेंट हैंडलर इवेंट को हैंडल करने की ज़रूरत होती है, तो पहले जो भी इवेंट को हैंडल करना है तो क्लास को पहले उसको इम्प्लीमेंट जो है लिसनर के ज़रिए इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होती है। अगर उसने एक्शन इवेंट को हैंडल करना है तो उसको एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा पहले, और उसके बाद अगर उसने की इवेंट को हैंडल करना है तो उसको की लिसनर को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इस तरह माउस है तो माउस लिसनर को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये मॉडल दिखाया गया आगे, इसकी ये कोडिंग है सारी, तो जो है इसकी आप लोगों ने पहले की तरह खुद प्रैक्टिस करनी है। नंबर 3 पे जो रजिस्ट्रेशन हैंडलर का हमारे पास कंसेप्ट है, जो हमारे पास इवेंट जनरेटर हैं वो हमें जो है ऑब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में बताते हैं, रजिस्टर्स हैंडलर्स होते हैं।
ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल वर्क ही ज़्यादा इन लेक्चर्स में हैं, कुछ थ्योरी में इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो जो है एमसीक्यू तौर पे आ सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। और उसके बाद यहाँ पे सारा कोड दिखाया गया है और प्रैक्टिकल वर्क है जो कि आप लोगों ने कोड को यहाँ पर ये इसकी आउटपुट कोड दिया गया सारा, और ये इसके ऊपर जो है यहाँ पर आउटपुट शो करवाई हुई है, ठीक है। हेलो और ओके का उन्होंने जो है बटन क्रिएट किए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे इवेंट जनरेटर सोर्स आते हैं, तो यहाँ पे इसके स्विंग और एविटी कंपोनेंट लिया गया है। इसके एग्जांपल में हमारे पास जे बटन है, जे टैक्स फील्ड, जे फ्रेम है, जनरेटर इवेंट जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं, रजिस्टर रजिस्टर जो होते हैं इसकी जो है सोर्सेज में आता है। इवेंट ऑब्जेक्ट जो होता है ये इनकैप्सुलेट करता है जो है इन्फॉर्मेशन होती हैं इवेंट की, उसको इनकैप्सुलेट करता है। और जो सोर्स इवेंट मेकर्स होते हैं यहाँ पर अगर हम बटन पर क्लिक करते हैं तो एक्शन का इवेंट जो होते हैं वो एक्शन इवेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं। उसके बाद हमारे पास है इवेंट लिसनर और हैंडलर का कंसेप्ट दिया गया है। ये रिसीव्स करता है इवेंट ऑब्जेक्ट्स को, जब हमें नोटिफाइड होते हैं तो हम इवेंट ऑब्जेक्ट को रिसीव्स करते हैं, ठीक है। हर इवेंट जो होते हैं सोर्स इवेंट जो होते हैं उसमें मल्टीपल लिसनर्स और रजिस्टर्स होते हैं, और हर जो सिंगल लिसनर्स होते हैं उसमें मल्टीपल इवेंट सोर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जावा वर्चुअल मशीन है JVM जो होते हैं रिसीव्स करते हैं इवेंट को, जब इवेंट जनरेट होते हैं तो ये जो है इवेंट को रिसीव्स करती हैं। उसके बाद लिसनर फिर जो होते हैं हंड्रेड लिसनर जो होते हैं इवेंट के वो लुक करते हैं, इसको देखते हैं, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग एग्जिस्ट होते हैं और इस तरह जो है कि इवेंट हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो ये जो सारा ये वाला चीज़ है ये सारी इसकी प्रोसेसिंग दिखाई गई है कि सबसे पहले जो है एक्शन इवेंट जो होते हैं वो जनरेट होते हैं, जावा वर्चुअल मशीन के पास जाते हैं, वो उसको क्यू में डालते हैं, फिर क्यू जो है इसको इवेंट क्यू जो होते हैं उसको मैनेज किया जाता है बाय JVM से। उसके बाद जो है उसको डी क्यू किया जाता है इवेंट से, फिर उसको पास करवाया जाता है एक्शन इवेंट को टू हैंडलर्स रजिस्टर्स विद एक्शन हैंडलर्स के थ्रू, उस तरह एक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है। सारा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो है उन्होंने एक स्मॉल कैलकुलेटर प्लस और जो है मल्टीपल का यहाँ पे दो स्मॉल कैलकुलेटर्स बनाए हैं, ये इनकी कोडिंग है जो कि आप लोगों को खुद प्रैक्टिस करनी है, इसका आउटपुट चेक करें। उसके बाद हमारे पास है लेक्चर नंबर 12 आता है। लेक्चर नंबर 12 में हमें जो है वही जो पीछे हमने लेक्चर नंबर 11 में देखा है हैंडलिंग इवेंट्स देखे हैं, उनकी मोर ज़्यादा एग्जाम्पल्स दी गई हैं। हैंडलिंग मोर इवेंट जो हैं यहाँ पे माउस इवेंट हैंडलिंग का कंसेप्ट दिया गया है। माउस इवेंट जो है वो ट्रैप हम करवाते हैं किसी भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स में जो कि कंपोनेंट क्लास से इनहेरिट करते हैं। इनके एग्जांपल में जे पैनल, जे फ्रेम आता है, जे बटन आते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं टू हैंडल माउस इवेंट्स को हैंडल करने के लिए हमारे पास लिसनर इंटरफेस की टू टाइप्स होती हैं। नंबर वन पर हमारे पास माउस मोशन लिसनर है और फिर माउस जो है लिसनर है, ये टू टाइप्स हैं जिनके थ्रू जो है हम माउस इवेंट्स को हैंडल करवाते हैं। अगर क्लास जो होते हैं वो हैंडल करना चाहती है माउस इवेंट्स को तो पहले उसको जो है इसका जो इंटरफेस होते हैं माउस लिसनर्स का उसको इंप्लीमेंट करना होगा। उसके बाद हमारे पास माउस मोशन लिसनर इंटरफेस की एग्जांपल होती हैं, यूज़ करते हैं हम माउस मोशन इवेंट्स के प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये टाइप्स जो होती हैं। उसके बाद हमारे पास ये वाला इसको अगर हमने इस माउस मोशन लिसनर को इंटरफेस JDK में हमने डिफाइन करवाना तो इस मेथड्स के थ्रू करवाएंगे। उसके बाद हमारे पास माउस लिसनर इंटरफेस आता है, तो ये जो होते हैं माउस इवेंट्स के प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि क्लिक इवेंट और एग्जिस्ट का जो प्रोसेस होते हैं इसको भी हमने अगर JDK में डिफाइन करवाना तो इस मेथड के थ्रू करवाएंगे। आगे यहाँ पे इस वाम इवेंट माउस इवेंट की यहाँ पे कोडिंग दिखाई गई है जिनकी आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद विंडो का इवेंट विंडो इवेंट्स की एग्जांपल ली गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कोडिंग यहाँ पे इसके नीचे दिखाई गई हैं, यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर हमने विंडो को एग्जिस्ट करना है या क्लोज़ करना है तो हम चाहते हैं कि उसको एग्जिस्ट करवाने से पहले या क्लोज़ करने से पहले गुड बाय का मैसेज आए तो फिर देन ओके करें। तो ये सारा जो है दिखाया गया है प्रैक्टिकल वर्क, यहाँ पे इसकी कोडिंग दिखाई गई है। उसके बाद हमारे पास हैं लेक्चर नंबर 13 है अडैप्टर क्लासेस के नाम से जो है यहाँ पे लेक्चर नंबर 13 में हमें इसका कंसेप्ट दिया गया है।
अडेप्टर और क्लासेस जो होती हैं हमारे पास जो होती हैं, ये हमें तमाम जो मेथड्स होते हैं हमारे लिसनर इंटरफेस के कोरिस्पॉन्डिंग तमाम मेथड्स की डेफिनेशन प्रोवाइड करती हैं। इसका मीन्स जो होते हैं विंडोज़ अडेप्टर क्लासेस को इम्प्लीमेंट करना होता है, विंडो लिसनर इंटरफेस जो होती हैं उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, विंडो अडेप्टर क्लासेस की जो है प्रोवाइड करती हैं फिर तमाम डेफिनेशंस इनसाइड अ लिसनर इंटरफेस। उसके बाद है यहाँ पे लिसनर इंटरफेस जो होते हैं हमारे अगर मोर देन एक से ज़्यादा इवेंट पर मुश्तमिल होते हैं तो फिर जो है जेडी की जो डिफाइंस करते हैं अडेप्टर क्लासेस को। ठीक है, अडेप्टर क्लासेस की एग्जांपल में हमारे पास विंडो लिसनर आते हैं, विंडो अडेप्टर्स वगैरह आते हैं। अगर हमने एक से ज़्यादा इवेंट को हैंडल करना होता है तो फिर देन हमें जो है क्या करना पड़ता है, जेडी की डिफाइंस करते हैं अडेप्टर क्लासेस को। ठीक है, अडेप्टर क्लासेस इस मकसद के लिए होती हैं कि हम एक से ज़्यादा इवेंट को हैंडल कर पाएँ, ये वो इंपॉर्टेंट चीज़ें एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ जो है अडेप्टर क्लासेस जो हैं अवेलेबल हैं, यहाँ पे उनकी एग्जांपल दी गई हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोडिंग दिखाई गई हैं, इसकी आप लोग प्रैक्टिस करें। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ इस लेक्चर में इनर क्लासेस हैं, इनर क्लासेस जो होती हैं हमारी इनसाइड क्लासेस होती हैं, और ये इनर क्लासेस होती हैं ये वो क्लासेस होती हैं जो कि हम किसी दूसरी क्लास के इनसाइड पे जो है हम जिसको डिफाइन करवा सकें, एक क्लास को किसी दूसरी क्लास के इनसाइड पे डिफाइन करवाने को ही जो क्लास इनसाइड पे होती है उसको हम इनर क्लास बोलते हैं। इनर क्लास जो होती हैं वो जितने भी मेंबर्स या वेरिएबल्स होते हैं आउटर क्लास के उसको एक्सेस करवाती हैं, एक्सेस करती हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्टर्स या वेरिएबल्स मेथड जो होते हैं इनर क्लास के वो बिल्कुल रेगुलर क्लासेस की तरह ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी कोडिंग दिखाई गई हैं, और जो हैं ऊपर हमने जो पिछले लेक्चर्स में माउस इवेंट्स जो हैं उसको उन्होंने यहाँ पे मॉडिफाई किया हुआ है, इनर क्लास के थ्रू मॉडिफाई करके थोड़ा सा जो है दिखाया हुआ है, ये इसकी कोडिंग दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर जो प्लस और मल्टीप्लाई का जो पीछे हमने स्मॉल कैलकुलेटर देखे थे तो उसको भी इनर क्लास के थ्रू उन्होंने इस लेक्चर्स में मॉडिफाई किया हुआ है थोड़ा सा, तो उसकी कोडिंग ये सारी दिखाई हुई है, इसकी आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आते हैं इनर क्लासेस जो हैं जो कि नामलूम क्लासेस होती हैं, अनोनिमस मीन होता है जो है नामलूम क्लासेस, वो क्लासेस जिनका कोई नाम जो नहीं होता, तो इसमें जो होती हैं नो नेम, इसका कोई नाम नहीं होता। ठीक है, ये बहुत ही छोटी क्लासेस होती हैं, इसकी डिफ़िकल्ट होती हैं इसको अंडरस्टैंड करना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हैं कि हम जो हैं ये जो हमारे पास अनोनमस ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम जो हैं जस्ट एक ही ख़ास ऑब्जेक्ट्स के लिए ही एक वन टाइम में यूज़ करते हैं। एक केस ऑफ रिपीट, अगर हमने रिपीट करवाना है तो फिर हम जो हैं उसी ऑब्जेक्ट्स के नेम को ही लेंगे। ठीक है, जो कि जिस ऑब्जेक्ट्स को हम रिपीट करवा रहे हैं, इवेंट को रिपीट कर रहे हैं, तो उस इवेंट के नाम से ही फिर हम इसको रिपीट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसकी कोडिंग दिखाई गई हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ लेक्चर नंबर 14 आता है। लेक्चर नंबर 14 जो है वो जावा डाटाबेस कनेक्टिविटीज़ के मतलब है। जे डी बी और सी ये स्टैंड फॉर्म ली गई हैं यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन में। जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी जो होती हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म है जे डी बी सी हैं, और ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ज़्यादा एम सी क्यूज़ में पूछी जाती हैं, शॉर्ट फॉर्म स्टैंड फॉर जो होते हैं। अब यहाँ पे वो हमें पेपर में जो है एम सी क्यूज़ में सॉरी दे सकते हैं कि जे डी बी सी जो है किसकी एब्रिवेशन या स्टैंड फॉर हैं, तो ये जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी हैं। ठीक है, जो कि हमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड करती हैं, डाटाबेस से हमने डाटा अगर एक्सेस करना होता है तो उसके लिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड करती हैं। जेडीबीसी जो होती हैं ये आईपी कंटेनर नंबर पर मुश्तमिल होती हैं, इंटरफेस क्लासेस के जो होते हैं, और ये हमें डाटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कम्युनिकेशन के लिए हमारी हेल्प करती हैं। इसके लिए जो पैकेज यूज़ होता है वो जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज जो होता है यूज़ होता है, जो मोस्ट ही इंटरफेसेस और क्लासेस पर मुश्तमिल होता है। यहाँ पे इस लेक्चर में ज़्यादा जो है प्रैक्टिकल वर्क दिखाया गया है। क्रिएट डाटाबेस, यहाँ पे एक डाटाबेस उन्होंने बनाई है पर्सन इन्फो के नाम से, जिसमें जो है पर्सन इन्फो के नाम से जो है यहाँ पे उन्होंने एक डाटाबेस बनाई है, जिसमें जो है एक टेबल पर्सन के नाम से एक टेबल है और उसमें पर्सन का सारा डाटा जो है उन्होंने इंसर्ट करवाया हुआ है। ठीक है, ये सारा दिखाया हुआ है। उसके बाद है हमारे पास डीएनएस जो है, डीएनएस डाटा सोर्स नेम है, डीएनएस स्टैंड फॉर डाटा सोर्स नेम। डीएनएस जो होते हैं वो नेम्स होते हैं जिसके थ्रू हम सिस्टम को जो है डाटा सोर्स के अंदर से रिकॉग्नाइज करवाते हैं।
ये भी सारा प्रैक्टिकल वर्क दिखाया हुआ है। उसके बाद हमारे पास है JDB जो हम यूज़ करते हैं, ये इसमें 8 स्टेप में है JDB के जो बेसिक हैं। सबसे पहला जो है वो पैकेज को हमने इंपोर्ट करवाना होता है, उसके बाद लोडर ड्राइवर आता है, फिर उसके बाद URL होते हैं। URL जो हैं ठीक है, उसके बाद अगर डेटाबेस का जो URL होता है वो इसका ये मेथड्स हैं डेटाबेस के URL के। URL आप लोगों को पता है कि एक किस्म का ये जो है लिंक ही होता है, जैसे कि हमारे चैनल्स वगैरह के लिंक होते हैं जो हैं, हम अगर कोई कहे कि हमारा हमें अपना URL दे तो हम अपने चैनल का जो है URL देते हैं, जो कि लिंक ही होता है जो गूगल ब्राउज़र के थ्रू जो हैं हम उसको अपने चैनल्स पे जो है हम पहुंचते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू ये लिंक ही होता है URL जो होता है। तो हमें जो होता है डेटाबेस में URL को स्पेसिफाई करवाने की ज़रूरत होती है। यूज़र जो है ये इसका शॉर्ट फॉर्म जो है URL जो स्टैंड्स फॉर हैं वो जो है आई थिंक यूज़र जो है रिसोर्सेज लोकेटर्स इसको बोला जाता है। उसके बाद हमारे पास हैं यहाँ पे कुछ मेथड्स बताए गए हैं डेटाबेस कनेक्शंस के एस्टैब्लिश करने के लिए, कुछ मेथड्स हैं जो कि आप लोगों ने यहाँ पे यूज़र्स नेम पासवर्ड के मेथड्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। अगर हमने स्टेटमेंट क्रिएट करनी है तो उसके लिए ये वाला मेथड्स यूज़ करेंगे जो है कनेक्शन ऑब्जेक्ट्स से ऑब्टेन करवाने के लिए। स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो कनेक्शन ऑब्जेक्ट्स से ऑब्टेन होती हैं। जब हम एक दफ़ा स्टेटमेंट्स बना लेते हैं तो फिर उसको हम जो हमारी मुख्तलिफ एसक्यूएल क्यूरीज होती हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एग्जीक्यूट अ क्यूरी। डेटाबेस के अंदर जिन बच्चों ने डेटाबेस की बुक पढ़ी होगी पिछले सेमेस्टर में, उनको पता है कि एसक्यूएल में 4 क्वेरी होती है, इंसर्ट अपडेट डिलीट और सेलेक्ट की क्वेरीज होती हैं। सेलेक्ट की क्वेरीज होती हैं वो टेबल में डाटा सेलेक्ट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए जो है डाटा यूज़ होती हैं, और इंसर्ट की क्वेरीज होती हैं वो डाटा इंसर्ट करने के लिए टेबल्स के अंदर यूज़ होती हैं, और अपडेट की क्वेरीज होती हैं डाटा अगर हमने एडिट करना है या फिर अपडेट करना है टेबल के अंदर तो उसके लिए यूज़ होती हैं, और डिलीट की क्वेरी रिमूव करवाने के लिए डाटा को। तो ये सारी जो है यहाँ पे बताई हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे क्यूरीज आती हैं रिजल्ट सेट्स प्रोसेस की क्यूरी हैं। रिजल्ट सेट्स जो होते हैं ये डाटा जो होते हैं टेबल्स के अंदर, टेबल में हमारा रोज और कॉलम्स होते हैं, टेबल्स के अंदर जो इंडेक्स फर्स्ट रोज होती हैं उसका इंडेक्स 1 से जो है इनिशियलाइज करवाते हैं, ना कि 0 से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड जो होते हैं रिजल्ट सेट का, वो रिटर्न्स करवाते हैं ट्रू और फॉल्स वैल्यू जो कि डिपेंड होती है हमारे जो हमारे नेक्स्ट रो जो होती हैं आया कि वो एग्जिस्ट हैं या नहीं है, उसके लिए हम जो है कर्सर को मूव करवाते हैं तो उसके लिए हम नेक्स्ट मेथड्स यूज़ करते हैं। उसके बाद क्लोज कनेक्शंस का आता है तो उसके लिए ये वाला मेथड्स यूज़ होते हैं। ये सारी इसकी कोडिंग दिखाई हुई है जिसकी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हमारे पास हैं लेक्चर नंबर 15 आते हैं। लेक्चर नंबर 15 जो है इसमें हमारे पास जो JDBC के जो है मोर एग्जांपल्स मेथड्स दिखाए गए हैं। JDBC वही जो है पीछे मैंने बताया जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी की शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पे सबसे पहले यूज़फुल स्टेटमेंट मेथड्स दिखाए गए हैं। एग्जीक्यूटर जो होते हैं अपडेट की यहाँ पे मेथड यूज़ हुआ है। पीछे वही इंसर्ट अपडेट और डिलीट एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होते हैं जो हैं। उसके बाद रिटर्न्स मेथड्स हैं, नंबर्स ऑफ रोज़ हैं दैट जो डेटाबेस पर अफेक्टेड होते हैं, नंबर ऑफ रोज़ को रिटर्न करवाने के लिए मेथड यूज़ होते हैं। ये स्पोर्ट्स DDL जो होती हैं स्टेटमेंट्स, DDL स्टैंड्स फॉर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। ठीक है, DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। इस ये जो होती हैं DDL स्टेटमेंट्स स्पोर्ट्स करती हैं क्रिएट हमारे पास टेबल्स होते हैं टेबल को ड्रॉप करवाने के लिए और फिर अलर्ट टेबल के लिए यूज़ होता है। ये इसकी सारी कोडिंग दिखाई हुई है। उसके बाद यहाँ पे ये आउटपुट इसकी शो हो रही है। यहाँ पे गेट मैक्स रोज और सेट और गेट मैक्स रोज़ का कंसेप्ट दिया गया है। ये नंबर ऑफ़ रोज़ को जो है हमारे रिजल्ट सेट होता है ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ को डिटरमिन करने के लिए हम यूज़ करते हैं इस मेथड को। ठीक है, और यहाँ पे सेट क्यूरी और गेट क्यूरी टाइम आउट का कंसेप्ट दिया गया है।
जो करंट क्यूरी टाइम आउट लिमिट्स होती हैं या फिर इसका मतलब होते हैं नो लिमिट, अगर लिमिट एक्सीड करती हैं तो एसक्यूएल क्यूरी जो होती हैं वो एग्जेप्शन थ्रू करती हैं, ठीक है। अगर डिफरेंट टाइप्स दी गई ऑफ स्टेटमेंट की जो हैं थ्री डिफरेंट टाइप्स होती हैं स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास अवेलेबल होती हैं उसकी तीन जो है मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं स्टेटमेंट और प्रिपेयर स्टेटमेंट होती हैं। स्टेटमेंट के अंदर ये फर्स्ट टाइप जो होती है स्टेटमेंट की ऑब्जेक्ट्स की, ये हमारा जो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स होती हैं उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए, जो सिंपल हमारे एसक्यूएल स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास टाइप है प्रीपेयर स्टेटमेंट की, ये जो स्टेटमेंट होती हैं ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने पहले अगर एसक्यूएल स्टेटमेंट जो प्री कंपाइल्ड होती हैं पहले से कंपाइल की होती हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट को उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए ये यूज़ होती हैं। उसके बाद हमारे पास कॉलेबल स्टेटमेंट है, कॉलेबल स्टेटमेंट जो होती हैं ये हमारे जो स्टोर प्रोसीजर्स होते हैं हमने स्टोर किए होते हैं प्रोसीजर्स उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए ये टाइप यूज़ होती हैं। आगे प्रिपेयर्ड जो है स्टेटमेंट्स आ गई हैं, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं डिफर्स होते हैं फ्रॉम स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट से, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट से जो है वो डिफर होते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अगर हमने प्रीपेड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है दैन फिर हमें जो है प्रीपेड मेथड्स जो हैं स्टेटमेंट मेथड्स जो हम यूज़ करते हैं कनेक्शन क्लास के लिए तो वो ये वाला मेथड्स जो हम करते हैं अगर हमने इसको प्रीपेड स्टेटमेंट को क्रिएट करना है तो, ठीक है। ये सारा इसकी कोडिंग दिखाई हुई है और उसको कंपाइल किया। उसके बाद हमारे पास हैं लेक्चर नंबर 16 है, लेक्चर नंबर 16 में हमें रिजल्ट सेट्स के बारे में बताया गया है, रिजल्ट सेट का कंसेप्ट दिया गया है। रिजल्ट सेट जो होते हैं ये हमारी जो एसक्यूएल क्यूरीज होती हैं उसके रिजल्ट पर मुश्मिल होते हैं, ये हमारे टेबल्स के अंदर जीरो कॉलम होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। रीसेट जो होती है हमारे रिजल्ट रीसेट जो होते हैं ये जो होते हैं अपडेटेबल नहीं होते, इसको ये जस्ट फॉरवर्ड हम करवाने के लिए माउस को जो होता है कर्सर होता है तो उसको फॉरवर्ड मूव करवाने के लिए यूज़ करते हैं। ये इस जस्ट जो है फर्स्ट रो टू लास्ट रो की तरफ मूव करता है, ये इसका मेथड दिखाया हुआ है। उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड जो यूज़ करते हैं हम कर्सर को जो है नेक्स्ट मूव करवाने के लिए नेक्स्ट रो की तरफ मूव करवाने के लिए हम नेक्स्ट मेथड यूज़ करते हैं। गेटर्स का यहाँ पर बताया हुआ है, अगर हमारे पास करंट रो जो है हमें गेटर्स हम उस वक्त यूज़ करते हैं रिजल्ट सेट्स जो होते हैं हमारे वो हमें करंट रो के ऊपर अगर हमारा जो डाटा है ऑफ द कॉलम का करंट रो में तो उसकी हमें मुख्तलिफ वेरियस गेटर्स जो होते हैं वो हमें उसको यूज़ करने के लिए रिजल्ट सेट्स के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसके कुछ मेथड्स शो हुए हुए हैं, ये आप लोगों ने यहाँ पे फिर बताया हुआ है कि इंडेक्स वन यूज़ होता है फर्स्ट कॉलम के लिए ना के ज़ीरो, तो ये इसको क्रिएट करने के मेथड्स बताए गए हैं। उस पर क्लोज का मेथड होते हैं ये हम जो है क्लोज करने के लिए एग्जीक्यूट जो है हमारा ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट होते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जे डी बी सी जो होते हैं डेटाबेस सोर्सेज के अंदर उसको रिलीज़ करवाने के लिए हम ये क्लोज का मेथड यूज़ करते हैं, या फिर एग्जीक्यूट अगर हमारी करना है तो फिर डन हम उसको इसको रिजल्ट सेट्स क्लोज का मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ पे अपडेट का और स्क्रोल एबल रिजल्ट सेट्स का मेथड दिखाए गए हैं यहाँ पे। इसके थ्रू इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसके थ्रू हम डाटा इंसर्ट करवा सकते हैं रोज़ के अंदर, उसके बाद उसको अपडेट कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, इस मेथड्स के थ्रू। यहाँ पे फिर इसको अगर हमने इसको बनाना है तो यहाँ पे ये मेथड्स करवाए गए हैं कि इस मेथड्स के थ्रू हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर प्रीवियस मेथड शो हुआ है, तो प्रीवियस मेथड भी जो हम अगर हमने बैक मूव करवाना होता है कर्सर्स को किसी पिछली रो के अंदर प्रीवियस रो के अंदर बैक मूव करवाना होता है कर्सर को देन हम प्रीवियस का मेथड्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे इसकी सारी कोडिंग दिखाई गई हैं सारी और उसको जो है कमांड्स के थ्रू कंपाइल किया गया है। यहाँ पे मूव्स कर्सर्स टू द गिवन रो नंबर्स इन द रिजल्ट सेट्स ऑब्जेक्ट्स में, वही जो हमारे पास गिवन रो नंबर्स होते हैं उसमें अगर हमने मूव्स करवाना है कर्सर को देन हमें एब्सोल्यूट का मेथड्स जो है वो यूज़ करना पड़ता है।
यहाँ पे ये ऊपर हैं, एब्सोल्यूट इंट का मेथड्स यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अगर इसमें दो चीज़ें हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर हमें जो है गिवन रो नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव में गिवन है तो देन कर्सर जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगा, अगर हमारे पास वो रो नंबर्स जो गिवन हैं वो नेगेटिव में हैं देन कर्सर जो होता है वो मूव्स करवाते हैं एब्सोल्यूट रो पोजिशन की तरफ मूव करेगा, ठीक है, एंड की तरफ। यहाँ पे अपडेट्स की बताया गया है, ये कॉलम्स की वैल्यूज़ को अपडेट करने के लिए करंट रो जो हमारी होती हैं या फिर इंसर्ट रो जो होती है करंट रोज को उसको अपडेट करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे कोडिंग दिखाई गई है इसकी सारी, आउटपुट शो हुई है, ये देखें यहाँ पे भी अगर हमने कर्सर को जो है हमने इंसर्ट रो में लेके जाना है कर्सर को तो देन फिर हम मूव टू इंसर्ट रो का मेथड्स यूज़ करेंगे यहाँ पर कर्सर को इंसर्ट रो में मूव करवाने के लिए। यहाँ पे कर्सर है तो देन हमने वो मेथड यूज़ किया तो कर्सर यहाँ पे इंसर्ट रो में आ गया, यहाँ पे डाटा इंसर्ट करना है तो फिर हम कर्सर को इधर लेके आएंगे, तो इसके लिए हम मेथड यूज़ करेंगे जो वो हमारा जो है इंसर्ट रो का मूव टू इंसर्ट रो मेथड यूज़ होगा। ये सारी कोडिंग इसकी दिखाई हुई है तो आप लोगों ने खुद कोडिंग की जो है प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह। यहाँ पे लास्ट और फर्स्ट का मेथड यूज़ हुआ हुआ है, ये जो होता है कर्सर करवाने के लिए कर्सर्स को मूव करवाने के लिए लास्ट और फर्स्ट रो पर देन हम ये मेथड यूज़ करते हैं, गेट रो का मेथड होते हैं तो करंट जो हमारे रो नंबर्स होते हैं उसको रिटर्न करवाने के लिए गेट रो का मेथड यूज़ किया जाता है। इस तरह डिलीट रो का है तो फिर करंट रो को डिलीट करने के लिए ये मेथड यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पे सारी इसकी कोडिंग दिखाई गई इन मेथड्स की और इसके आउटपुट शो की गई हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं लेक्चर नंबर 17। लेक्चर नंबर 17 में हमारे पास मेटा डाटा के तलक हमें कंसेप्ट क्लियर हुआ है, ये इस डाटे जो हमारा एक्चुअल डाटा होता है इसके उसका कोई भी मीनिंग वगैरह शो नहीं हो रहा होता इसके बगैर, हमारे मेटा जो डाटा होता है इसके बगैर ये इसकी एग्जिस्टेंस जो होती है इसके बगैर उसका कोई मीनिंग शो नहीं हो रहा होता जो हमारे पास एक्चुअल डाटा होता है। तो ये हमें डाटा के मतलब हमारी एक तरह की इन्फॉर्मेशन ही होती हैं। यहाँ पे देखो उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे क्लियर करवा के उन्होंने टेबल्स में यहाँ पे ना नंबरिंग ली हुई है 1 जो है 1000 2 और 4, तो यहाँ पे अब हमें नहीं समझ आ रहा है ये किस चीज़ का टेबल है, यहाँ पे हमारा ये टैक्स हैं या फिर बिल हैं या प्राइस हैं किसी चीज़ की या फिर हमारी सैलरी शो हो रही है इस टेबल में। तो जो हमारे पास यहाँ नीचे फिर उन्होंने सैलरी लिखा हुआ है तो यहीं जो है मेटा डाटा को शो कर रहा है हमारे सैलरी जो है टेबल्स के अंदर, तो ये अब हमें अब समझ आ रहा है कि ये सैलरी का टेबल है, ठीक है। तो इस तरह ये डाटा मेटा जो डाटा होता है हमारे पास उनकी एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है जिनमें जो कि हमारा जो ये मेटा डाटा होता है ये इन क्वेश्चन की आंसरिंग में हमारी हेल्प करता है, जो कि ये क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ पे इसको यहाँ पे ये सारे मेथड्स इसके बताए गए हैं। यहाँ पे रिजल्ट सेट मेटा डाटा मेथड्स, अगर हमने गेट कॉलम काउंट जो होता है मेथड्स जो होते हैं वो रिटर्न करवाता है नंबर ऑफ कॉलम्स को इन द रिजल्ट सेट के अंदर, और गेट का कॉलम्स जो होते हैं डिस्प्ले साइज का तो ये भी रिटर्न मैक्सिमम विड्थ जो होती है हमारे कॉलम्स की उसको जो उसके लिए हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ पे गेट कॉलम और गेट कॉलम लेबल नेम इंट का यहाँ पे यूज़ हुआ है, ये डाटाबेस कॉलम नेम जो होते हैं हमारे डाटाबेस के अंदर उनको रिटर्न करने के लिए ये मेथड हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास गेट कॉलम टाइप इंट है, हमारे एसक्यूएल टाइप जो होती हैं उसको रिटर्न करवाने के लिए यूज़ होते हैं। और यहाँ पे उसके बाद हमारे पास रिजल्ट सेट मेटा डाटा है तो यहाँ पे इसके सारे जो हैं मेथड्स ही शो करवाए हुए हैं, इनमें ज़्यादातर जो हैं थ्योरी बहुत कम है और मेथड्स सारे इनकी कोडिंग दिखाई हुई हैं और प्रैक्टिकल वर्क है सारा जो कि आप लोगों ने खुद करना कंपाइल करके उनका जो है आउटपुट शो करवाई हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने डाटाबेस जो है मेटा डाटा जो हमारे पास होता है उसको ऑब्जेक्ट डाटाबेस क्रिएट करना है तो देन हमें ये वाले सारे मेथड्स और फंक्शन जो हैं सॉरी मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट नेम है गेट डाटाबेस प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे नेम जो होता है डाटाबेस प्रोडक्ट नेम जो होता है उसको टर्न करवाने के मेथड यूज़ होते हैं। और यहाँ पे वर्जन का नंबर्स होते हैं डाटाबेस प्रोडक्ट के उसको ट्रांस करवाने के लिए, यहाँ पे ड्राइवर नेम्स आते हैं गेट ड्राइवर नेम्स जीडीबीसी जो हमारे ड्राइवर्स यूज़ होते हैं।
उसके लिए उसको टर्म्स करवाने के नेम को टर्म्स करवाने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे रीड ओनली का मेथड यूज़ हुआ हुआ है, तो रीड ट्राइब्स करवाने के लिए डाटाबेस के अंदर रीड ओनली मूड को रिटर्न करवाने के लिए आया कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, तो देन फिर हम ये मेथड्स यूज़ करते हैं। ये सारी इनके मेथड्स की यहाँ पे दिखाई गई हैं कोडिंग, और उनको कंपाइल करके आउटपुट शो हुई हैं। यहाँ पे कुछ JDBC की जो है ड्राइवर्स की कुछ टाइप दी गई हैं, फोर टाइप हैं यहाँ पे इसकी, इसको फोर टाइप्स लेवल्स में डिवाइड किया गया है। ये फोर टाइप्स हैं यहाँ पे JDBC, फर्स्ट टाइप जो है वो JDBC और ODBC हैं, ब्रिज हैं यहाँ पे। JDBC आपको पता है जैसे कि जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी की शॉर्ट फॉर्म ली गई है, और ODBC जो है वो स्टैंड फॉर ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस तरह की होती हैं, MCQs में बहुत सारी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, और यहाँ पे वो आप MCQs में हमें पूछ सकते हैं ODBS स्टैंड फॉर, तो हमें नीचे ऑप्शन दी होती हैं ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी जो इसकी है सही फॉर्म है, सॉरी सही जो है इसका एब्रिवेशन है। यहाँ पे आगे हमें जो है जो सैंकर टाइप हैं उसमें हमारे पास नेटिव API हैं, यानी पार्शली जावा ड्राइवर्स की यहाँ पे हमें कंसेप्ट दिया गया है। इसके अंदर ये कन्वर्स करते हैं JDBC जो कॉल्स होती है हमारे पास, उसको डाटाबेस स्पेसिफिक जो डाटाबेस कॉल्स होती हैं उसमें, जिसकी एग्जांपल में हमारे SQL सर्वर आते हैं, और ये ड्राइवर्स कम्युनिकेट करते हैं API जो हमारे डाटाबेस के अंदर स्पेसिफाई API होती है उसके साथ। ये नीचे उन्होंने दिखाया भी हुआ है यहाँ डायग्राम में। आगे टाइप 3 हमारे पास आती है नेट प्रोटोकॉल की, यहाँ पे हमारे पास 3 लेयर अप्रोच यूज़ हुई हैं, जिसमें डाटाबेस जो रिक्वेस्ट का मेथड्स यूज़ हुआ हुआ है ये पास करवाता है नेटवर्क को, मिडल लेयर्स सर्वर के थ्रू यहाँ पे ये सारी लेयर्स जो है वो दिखाई गई हैं। उसके बाद यहाँ पे यानी कि क्लाइंट मशीन होती है, सर्वर मशीन है, उसके बाद डाटाबेस सर्वर है। उसके बाद नंबर 4 टाइप हमारे पास आती हैं, यह जावा ड्राइवर्स की हैं, नेटिव प्रोटोकॉल की हैं, ये कन्वर्स करते हैं JDBC कार्स को हमारे जो विंडर्स स्पेसिफिक होते हैं डाटा DBMS स्टैंड फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोटोकॉल्स को। क्लाइंट एप्लीकेशन जो होती हैं वो डायरेक्टरी इस लेयर में 2 लेयर्स में जो है वो डायरेक्टरी डाटाबेस सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रही होती हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 लेयर्स का कंसेप्ट दिया गया है, क्लाइंट मशीन है, सर्वर डायरेक्टरी उसके साथ जो है वो कम्युनिकेट कर रही है। उसके बाद हमारे पास है लेक्चर नंबर 18। लेक्चर नंबर 18 में हमें जावा ग्राफिक्स जो है उसके बारे में कंसेप्ट दिया गया है, यहाँ पेंटिंग का बताया गया है कि विंडोज़ जो होती हैं वो बिल्कुल प्रिंटर्स कन्वेस जो हमारे पास होते हैं उन्हीं की तरह होती हैं, और एक ही जो है सरफेस के अंदर तमाम विंडोज़ को पेंट किया जाता है, और यहाँ पे इसकी जो है अगर हमें रीपेंट की कोई भी एक्सपोज करवाना है कोई पोर्शन न्यू, तो हमें जो है इसको रीपेंट करने की ज़रूरत होती है। जावा कंपोनेंट जो होते हैं वो इसको पेंट करने के जो है हिसाब जो थे एबल होते हैं टू पेंट करना देमसेल्व्स, या फिर ये काम जो होता है ऑटोमेटिकली जो है डन हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे ये सारा यहाँ पे भी इसका ही प्रैक्टिकल वर्क दिखाया हुआ है ये सारा, ठीक है। और इस लेक्चर्स में ज़्यादा प्रैक्टिकल ही वर्क है। और उसके बाद पेंटिंग है स्विंग कंपोनेंट्स के थ्रू, यहाँ पे इसके सारे मेथड्स 3 मेथड्स हैं जिनको पेंटिंग का हार्ट बोला जाता है। स्विंग कंपोनेंट्स लाइक जे पैनल की तरह जो होते हैं वो जो 3 मेथड्स हैं वो ये वाले हैं, प्रोटेक्टेड वॉइड पेंट हैं, उसके बाद पेंट बॉर्डर्स हैं, पेंट चिल्ड्रंस का। यहाँ पे ये 3 मेथड्स जो हैं पेंटिंग के बताए गए हैं। पेंट कंपोनेंट्स का मेथड्स हैं ये जो मेन मेथड्स होते हैं पेंटिंग का वो हैं, और ये जो होते हैं बैकग्राउंड को फर्स्ट पेंट करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, आफ्टर दैट जो है उसके बाद ये कस्टमर जो हमारे पेंटिंग होते हैं उसको परफॉर्म्स करते हैं। यह आगे उसके बाद पेंट बॉर्डर हैं, तो ये जो है इसमें बॉर्डर कंपोनेंट्स के बारे में हमें बताते हैं डाल करते हैं। पेंट चिल्ड्रन जो हैं ये यहाँ पे नीचे भी इसका दिखाया गया है, यहाँ पे सबसे पहले बैकग्राउंड को पेंट किया, उसके बाद कस्टमर पेंटिंग की, उसके बाद बॉर्डर्स, उसके बाद चिल्ड्रन। यहाँ पे जे बटन्स का जो ऑप्शन है ये चिल्ड्रन को ही शो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सब क्लासेस आती हैं जे पैनल के अंदर, जे पैनल से एक्सटेंड हुई हैं, माय पैनल की क्लास जो हैं एक्सटेंड की गई हैं जे पैनल से, इसको सब क्लास भी बोलते हैं। तो माय पैनल क्लास जो है ये जे पैनल क्लास भी बन जाती हैं क्योंकि इनहेरिटेंस की वजह से। इनसाइड मेथड यूजिंग ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे मेथड दिखाए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे सारी इसको इंस्टॉलिंग वगैरह यहाँ पे इसकी कोडिंग दिखाई गई हैं सारी।
उसके बाद हमारे पास है लेक्चर नंबर 19 है। लेक्चर नंबर 19 एनिमेशन के मतलब कंसेप्ट दिए गए हैं। ऑटोमेटिकली इसमें सारा काम होते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई जो है बाल की तरह समथिंग लाइक बॉल की तरह जो है एनिमेट चाहते हैं कि कोई भी जो है मूविंग करें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर्स, तो उसके लिए जो है मेथड्स यूज़ होते हैं, कार पेंट का मेथड्स यूज़ होता है यहाँ पे। तो सारी पेंटिंग जो होती है वो मैनेज की जाती है सिस्टम के थ्रू, ठीक है। उसके बाद माउस को अगर हम ड्रैग करवाते हैं, ड्रैग मीन भी और उसको जो है मूव करवाना ही होता है माउस को वन लोकेशन टू अनदर। तो इसकी सारी जो है यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कर्सर था तो माउस को मूव करवा के कर्सर यहाँ पे, तो इसकी सारी यहाँ पे कोडिंग बताई गई है। ज़्यादातर कोडिंग ही है, प्रैक्टिकल वर्क है जो कि हम लोगों ने खुद इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें इसकी समझ आएगी, वरना हमें इसकी कुछ समझ नहीं आएगी, ठीक है। ये सारा इसका कोड दिखाया हुआ। उसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 20 है। लेक्चर नंबर 20 में हमें जो है एप्लेट्स के का कंसेप्ट दिया गया है। ये हमारे स्मॉल प्रोग्राम होते हैं जो कि जावा के अंदर हम इसको राइट करते हैं। जो हमारे HTML पेज होते हैं वो इंक्लूड होते हैं इसके अंदर। HTML जो है वो स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करवाते हैं, ठीक है। एप्लेट्स जो होते हैं हमारे पास ये पैनल होता है जो कि जावा प्रोग्राम के साथ इंटरेक्शन करने में हमें इंटरेक्शन अलाउ करता है। उसके बाद जो है वेब पेज के अंदर वेब ब्राउज़र में हमने इसको रन करवाना होता है। वेब पेज में जो है एम्बेडेड होते हैं, एप्लेट्स होते हैं ये HTML वेब पेज के अंदर, स्पेशल HTML जो होते हैं वो हमें अबाउट द ब्राउज़र के थ्रू जो है टेल कर रहे होते हैं एप्लेट्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी स्पोर्ट्स की बात करें तो मॉडर्न ब्राउज़र्स जो है इसको स्पोर्ट्स करते हैं। उसके बाद ये हमें एप्लेट का पूछा गया व्हाट इन एप्लेट इज, जो है एप्लेट यहाँ पे मेन मेथड्स ब्राउज़र मेन मेथड्स को यहाँ पे बताया गया है। यू राइट एन एप्लेट बाय एक्सटेंड द क्लास एप्लेट, ठीक है। हम राइट करते हैं तो हम क्लास एक्सटेंड करवा रहे होते हैं जी एप्लेट से। ये बिल्कुल लाइक क्लासेस की तरह ही होता है। यहाँ पे जीनियालॉजी एप्लेट्स का पूछा गया है। जीनियालॉजी का मीन जो होता है वो बिल्कुल जैसे हमारे पास ग्रुप होते हैं कोड के, तो उसको हम उसकी ग्रुप बंदी करते हैं, दर्ज बंदी करते हैं कोर्स के ग्रुप की, तो उसको ही जो है बोला जाता है। इसका ये सारा कोर्स दिखाया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास कुछ मेजर इवेंट्स दिखाए गए हैं। एप्लेट के इनिशियलाइज हैं, स्टार्ट स्टॉप हैं और फाइनल क्लीन अप का यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। ये इनिट है और स्टार्स हैं, उसके बाद पेंट हैं, स्टॉप और डिस्ट्रॉय का यहाँ पे सारे इवेंट्स दिखाए गए हैं। ये उनको जो है इंट का जो होता है हमारे पास इनिट का मेथड जो होता है इसको हम जस्ट एक दफ़ा ही कॉल करवाते हैं। इसका मकसद जो होता है हमें एप्लेट को जो है लोडरी के वक्त इनिशियलाइज करवाना होता है। और स्टार्ट का जो हम मेथड यूज़ करते हैं, स्टार्ट जो होते हैं इवेंट्स, ये एग्जीक्यूशन जब इसकी एग्जीक्यूशन हो रही होती हैं तो तब ये स्टार्ट में तब ये हम यूज़ करते हैं लोडिंग के दौरान। उसके बाद पेंट का जो होता है ये फर्स्ट टाइम जो होता है हम कॉल करवाते हैं जब हम विजिबल एप्लेट जो होते हैं हमारे पास एप्लेट होते हैं उसको विजिबल बन जाते हैं, देन फिर ये वाला जो है हम मेथड्स यूज़ करते हैं। उसके बाद स्टॉप का मेथड होता है एग्जीक्यूशन को स्टॉप जो है एग्जीक्यूशन जब स्टॉप होती है एप्लेट की, देन फिर ये जो है हमारा उसके लिए स्टॉप का हम मेथड यूज़ करते हैं। डिस्ट्रॉय का और जो हमारे पास यूनिट का मेथड होते हैं ये जस्ट एक दफ़ा ही कॉल हम करते हैं, इसको फाइनल क्लीन अप करना हो तो फिर हम डिस्ट्रॉय का मेथड यूज़ करते हैं। ये सारी इन मेथड्स की कोडिंग दिखाई गई है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि वेब के यहाँ पे ऊपर बताया गया है, वेब के में हम जो होते हैं वो HTML यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ये इसकी कोडिंग दिखाई गई है HTML की। ये इसका ओपनिंग टैग है HTML का, ये क्लोजिंग है, ये हेड के अंदर टाइटल होता है। टाइटल में यहाँ पे उन्होंने लाइफ साइकिल लिखा हुआ है इसका एप्लेट का। उसके बाद यहाँ बॉडी के अंदर हमने सारी कोडिंग करनी होती है। यहाँ पे एनिमेटेड जावा वर्ड्स दिखाए गए हैं। उसके बाद हमारे पास हैं जनरेटिंग रैंडम नंबर्स, हमने जनरेट करने हैं मैथ क्लास के, तो यहाँ पे उसका मेथड शो हुआ है मैथ डॉट रैंडम।
सारी कोडिंग दिखाई हुई है यहाँ पे। उसके बाद पेंट की और जितने भी ऊपर हमने मेथड्स देखे ये सारी उन्हीं की ही कोडिंग है। उसके बाद हमारे पास आता है लेक्चर नंबर 21। लेक्चर नंबर 21 में जो हमारे पास हैं वो सर्किट प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट दिया गया है। सर्किट प्रोग्रामिंग जो होती है ये एक तरह का एंड पॉइंट होता है हमारा, और इसमें टू वे में कम्युनिकेशन हो रही होती हैं बिटवीन द होस्ट के दरमियान। टू अगर होस्ट आपस में जो है प्रोग्रामिंग जब रनिंग हो रही होती हैं नेटवर्क्स पर दो प्रोग्राम्स की, देन उनके दरमियान कम्युनिकेशंस होती हैं। तो जो है कंप्यूटर्स जब नेटवर्क पर होते हैं तो उनको हम होस्ट के मायने में लेते हैं, ठीक है, उनको होस्ट बोलते हैं। तो उनके दरमियान कम्युनिकेशन के लिए जो होते हैं वो इसका सॉकेट्स के थ्रू जो होते हैं कम्युनिकेशन हो रही होती हैं। ये बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होती हैं, सॉकेट्स होती हैं ये बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होती हैं। आगे इसकी डायनमिक्स के मतलब बताया गया है सॉकेट्स की। इच एंड हैज़ इनपुट स्ट्रीम जो होता है, जो इनपुट स्ट्रीम को हम सेंड करने के लिए डाटा को यूज़ करते हैं, आउटपुट स्ट्रीम जो होती हैं हमारे पास रिसीव करने के लिए डाटा को हम यूज़ करते हैं। ऊपर पिछले लेक्चर्स में हमने स्ट्रीम्स की टाइप पढ़ी थी, जो है हमारे स्ट्रीम्स के दो तरह की होती हैं, फिल्टर स्ट्रीम और नॉट स्ट्रीम थी। तो ये MCQ टाइप की चीज़ें सारी डाटे को फाइल में से रीड करने के लिए राइट करने के लिए हम स्ट्रीम्स का जो है यूज़ करते हैं स्ट्रीम्स को। अगर हमने सॉकेट्स में से भी जो है रीड करना राइट करना डाटा, देन भी हम स्ट्रीम्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पे UDP और TCP का बताया गया है कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए एड्रेस को हम पोर्ट को यूज़ करते हैं, और उसके बाद डिफरेंट प्रोटोकॉल्स अवेलेबल होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए TCP और UDP के साथ, ठीक है। TCP जो होती हैं ये शॉर्ट फॉर्म है या स्टैंड्स फॉर हैं TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और UDP जो होती हैं हमारे पास ये यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल हैं। ये UDP स्टैंड फॉर यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, और इसमें 64 के पोर्ट्स होते हैं अवेलेबल होते हैं TCP जो होते हैं TCP सॉकेट्स के लिए, और इस तरह UDP सॉकेट्स के लिए भी 64 के पोर्ट्स ही अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे कुछ पोर्ट्स यहाँ पे दिखाई गई हैं, FTP हैं जो वर्क करती हैं ऑन 21 पोर्ट्स पर, और इस तरह HTTP वर्क करती हैं 80 पोर्ट पर, और 23 पोर्ट पर वर्क करती हैं टेल नेटवर्क। टेल मीन टेलीकम्युनिकेशन, टेलीफोन नेटवर्क, नेट मीन नेटवर्क होता है, और FTP जो होती है ये स्टैंड फॉर होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। उसके बाद सर्वर कम्युनिकेशन आती है। सर्वर जो होते हैं वो स्पेसिफिक कंप्यूटर्स होते हैं, उन पर रन होते हैं सॉकेट्स जो होती हैं वो बाउंस करती हैं पोर्ट्स नंबर्स, खास पोर्ट्स नंबर्स को सर्वर के साथ। क्लाइंट्स और सर्वर किस तरह से जो है कम्युनिकेशन करते हैं, क्लाइंट्स जो होते हैं वो कनेक्शंस रिक्वेस्ट करता है, उसके बाद पोर्ट को, और पोर्ट जो होती हैं वो सर्वर्स के थ्रू, इस तरह यहाँ पे सर्वर जस्ट वेट्स करता है लिसनिंग टू सॉकेट्स फॉर क्लाइंट्स टू मेक कनेक्शन रिक्वेस्ट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे यानी कि सॉकेट्स होती हैं वो जस्ट उतना ही वेट्स करती हैं जितना उन्होंने लिसन करना होता है पोर्ट्स को। यहाँ पे सर्वर लिसन जो है दिखाया गया है, सर्वर्स जो होते हैं वो स्पेशल काइंड होती हैं सॉकेट्स की, और यहाँ पे उसको जो है सर्वर सॉकेट्स भी बोलते हैं, सर्वर लिसन को सर्वर सॉकेट्स भी बोला जाता है। ये जो होता है इसका मकसद जो होता है सर्वर सॉकेट का लिसन करना होता है, इनकमिंग जो रिक्वेस्ट हमारी इनकमिंग रिक्वेस्ट होती है उनको लिसन करना होता है, यही सर्वर सॉकेट्स का जो है या फिर सर्वर लिसन का पर्पज़ होता है। ये जो है कम्युनिकेशन के लिए यूज़ नहीं होती। यहाँ पे कुछ स्टेप दिखाए गए हैं टू मेक अ सिंपल क्लाइंट्स, जो है एक सिंपल क्लाइंट्स बनाने के लिए यहाँ कुछ 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले वही पैकेज को हमने इंपोर्ट करवाना होता है, उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट और ओपन जो है सॉकेट्स अभी सर्वर के साथ यहाँ पे लिया गया है, इसका मेथड्स शो करवाया गया है।
उसके बाद यहाँ पे रीडिंग का है डाटा फ्रॉम साकेत से डाटा रीड करना है तो इस मैथड्स के थ्रू, अगर राइट करना है तो इस मैथड्स के थ्रू करेंगे। उसके बाद अगर सेंड या रिसीव करना है मैसेज को तो टू सेंड मैसेज इस मैथड्स के थ्रू, और अगर हमने रीड करना है मैसेज को तो ये हम मैथड्स यूज़ करेंगे। इस तरह हमने क्लोज़ करना है साकेट्स को तो उसके बाद हम एस डॉट क्लोज का मैथड यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर हमने सर्वर सिंपल सर्वर को बनाना है तो फिर हम उसमें 7 स्टेप्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे। ऊपर क्लाइंट्स को हम बना रहे थे, नीचे सर्वर को हैं सिंपल सर्वर में कर रहे हैं, तो यहाँ पे 7 स्टेप्स हैं। इंपोर्ट करवा रहे हैं पैकेज, वही सेम पैकेज जो है यूज़ होगा जो कि ऊपर यूज़ हुआ था क्लाइंट्स के लिए। उसके बाद यहाँ पे साकेट्स जो है सर्वर साकेट्स को अगर हमने क्रिएट करना है तो ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, ये सारे मेथड्स ही यहाँ पे दिखाए गए हैं। उसके बाद हमारे पास गेट इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स ऑफ साकेट्स हैं। अगर हम एक दफ़ा जो है कम्युनिकेट कर लेते हैं कम्युनिकेशन साकेट्स के साथ तो फिर हम जो है हम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स को गेट कर सकते हैं साकेट्स से। यहाँ पे रीडिंग करने के लिए फ्रॉम साकेट से रीड करने के लिए हम ये वाले मेथड्स यूज़ करते हैं, राइट करने के लिए ये वाले मेथड्स यूज़ करते हैं। इस तरह रीड और सेंड और रिसीव करने के लिए मैसेज तो इसके लिए भी मेथड यूज़ होते हैं, जैसे कि ऊपर क्लाइंट्स के लिए हो रहा था। ठीक है, ये सारी इसकी कोडिंग दिखाई हुई इन मेथड्स की, कंपाइल किया हुआ इसको, इसकी आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हमारे पास लास्ट लेक्चर्स हैं 22 जो हैं, लास्ट तो नहीं है लेकिन जो है मिड टर्म के हवाले से ये लास्ट लेक्चर्स हैं। लेक्चर नंबर 22 आता है। लेक्चर नंबर 22 में जो है हमें कुछ ज़्यादा तो नहीं लेकिन यहाँ पे हमें ना जो सीरियलाइजेशन जो है उसका कंसेप्ट दिया गया है। जावा प्रोवाइड्स का था हमें एक्सटेंसिव सपोर्ट्स फॉर सीरियलाइजेशन के लिए। इसके इंटरफेस की अगर हम बात करें तो इंप्लीमेंट करना होता है इंटरफेस, क्लासेस को डिक्लेयर करके हमने, और इसमें रीड और राइट करना होता है जो है ऑटोमेटिकली इसमें सारा काम हो रहा था। डोर जावा इनपुट आउटपुट पैकेज में जो है ये फाउंड होता है ऑटोमेटिक। अगर हम राइटिंग करते हैं इसमें तो उसके बाद ऑटोमेटिक रीडिंग होती है इसमें। ठीक है, ये वाली चीज़ें होती हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है सिग्नलाइजेशन के यह मेथड्स हैं, यहाँ पे रीड करना होता है। अगर ऑब्जेक्ट को बैक रीड करना होता है तो ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, अगर हमने राइट करना होता है ऑब्जेक्ट्स को देन ये वाले मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, ये वाले ये सारी यहाँ पे इसकी कोडिंग दिखाई गई हैं, इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, इसमें ज़्यादा कोडिंग ही है। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्किंग जो है ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन नेटवर्किंग का बताया हुआ है। यू कैन रीड राइट टू नेटवर्क यूजिंग सर्कल को इस्तेमाल करके हम नेटवर्क को रीड राइट कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ फाइल जो है इसके नीड हमें ज़रूरत होती है अटैच करने की स्ट्रीम्स को विद साकेट्स के साथ, तो ये सारा यहाँ कोडिंग सारी दिखाई हुई है इसकी, ज़्यादा कोडिंग। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस लेक्चर्स में जो है वो मुझे ट्रांसइट नज़र आई है, कीवर्ड हम यूज़ करते हैं जो है फील्ड को अगर हमने मार्क करना हो तो उसके लिए हम ट्रांसइट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको माइंड में रखना, ये एमसीक्यूज में आ सकती हैं। ठीक है, सो आगे हम जो है मिड के बाद इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 23 देखेंगे, मल्टी थ्रेडिंग के मतलब हैं, इसमें कंसेप्ट दिया गया है। ये सी आज की वीडियो, ये शॉर्ट्स तो वीडियो नहीं मैं बोल सकती क्योंकि थोड़ी सी लंबी होगी है, जारी बात है 12 लेक्चर्स हमने इस वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस किए हैं। तो जो है आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर करना है इन चीज़ों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी थ्योरी में से, यही इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ में आएंगी। अगर आप इसका कंप्लीट वॉच करते हैं और जो है हैंड आउट्स को जो है रीड करते हैं कंप्लीट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।